इस विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लड रोक सकते हैं। एक विधि है टूर्निकेट विधि, इसको बोलते हैं टूर्निकेट विधि। ये विधि एक या किसी कारणवश अगर सिलेंडर में आग लग जाती है तो उस पर किस प्रकार से काबू पाना है, घबराना नहीं है, उसमें भी धैर्य नहीं रखना है, धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें पाइप में आग लग गई सिलेंडर के में, तो हम कैसे काबू पाएंगे, देखो। ठीक है, अब इसमें देखो पाइप में और आग जलने में कुछ स्पेस दिख रहा है ना आपने, दो एक दो सेंटीमीटर का स्पेस दिख रहा है ना, उसमें ये अंगुली ऐसे कर रहा है, देखो इसका नहीं जल रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन जो है वो आगे जाके मिल रही है पर्याप्त, वही ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो जलेगी नहीं। तो इस प्रकार से इसको थम लगाना है, प्रेशर के साथ लगाना, लेकिन थम ऐसे नहीं बिल्ले हफ्ता नहीं काम करेंगे, इसे बिल्कुल प्रेशर के साथ लगाना और उसको बंद करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यार रेगुलेटर के पास में आग लग गई हो, ये करके नाव पलट गई और उसमें चार पांच व्यक्ति डूब गए, तो हम उनके पास में ये फेंक देंगे, इससे ये कम से कम चार या पांच आदमियों को बचा सकती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, नहीं सब यूज करोगे पक्का, नमी बरकरार है, इसीलिए वो गोल पीस को हम भिगोकर इसमें पेपर कप में डालते हैं, दोनों आंखों के इसके स्तर कर दिए, क्योंकि ये दोनों आंखें अब मूवमेंट नहीं करेगी और किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं होगी, और हमें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए इसको क्या करना है, हॉस्पिटल भेजना है, ज्यादा इंतजार नहीं करना है, एम्बुलेंस को तुरंत सूचित करना है घटना घटते ही, सबसे पहला काम अपना यही है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे का मुंह और नाक खुला होना चाहिए, इस प्रकार से इसकी पकड़ जो है मजबूत रखनी है, मान लो बच्चा है इसकी पकड़ जो है मजबूत रखनी है, मान लो अपने हाथ से फिसल जाए इसके सर में लग जाए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं करना है, अपने जो हाथ की पकड़ है वो बिल्कुल ठीक पकड़नी है। उसके बाद में उसके दोनों अंगुलियां मुंह और नाक के बीच में इस प्रकार से लेनी है, खुला रखना है, देखो मुंह इसका खुला है ना, मुंह और नाक दोनों क्या है खुले रखने, इनको बंद नहीं करना है, नहीं तो फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे प्रैक्टिकल भी नहीं करनी घर पे जाके। ठीक है, ऐसे नहीं, आप जानोगे हमने हमारे को बताया था ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना है। ठीक है, वो कंडीशन हो जाती है कि घटना तब एक अलग बात है। इस प्रकार से फिर इसको ऐसे लेकर कुर्सी पर बैठना है। ठीक है, चेयर पर बैठ गए, चेयर पर बैठने के बाद में अपने जो हथेली है, किसी की लेफ्ट हो सकती है किसी की राइट हो सकती है, उसी हथेली से क्या करना है, उसको बार बार धीरे धीरे से पुश करना है। ठीक है, तो वही उसके भी यही उल्टी होगी या खांसी होगी, उस स्थिति में वो नीचे आ जाएगा जो लिया हुआ है, सिक्का हो चाहे कोई वस्तु फंसी हुई हो। ठीक है, कुछ भी हमें जो है सिक्का वो निकाल सकते हैं। जैसे लेटा देंगे, चलो देखो इसके अंदर देखो, अब मान लीजिए इसके पैर में हाथ में चोट लगी हुई है, इसको इस प्रकार लेटा के अपने एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेंगे और एक व्यक्ति इसके सर के पीछे से सपोर्ट करेगा, इस प्रकार से इसको उठाना है और एम्बुलेंस में भेजना है। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ उसके लिए। मना लोगे सब, भगदड़ नहीं मचानी है, दूसरा शोर शराबा नहीं करना है। ठीक है, आपने देखा होगा चामुंडा माता मंदिर जोधपुर में जब भूकंप आया था तो वहां लोग वैसे नहीं मरे थे, वो भगदड़ की वजह से ज्यादा मरे थे, कम से कम 800,000 आदमी के आसपास मर गए थे उस टाइम पर, 2008 की बात है। ठीक है, तो भगदड़ बिल्कुल नहीं बचाना है, आराम से रहना है। दूसरा, हमें लिफ्ट का प्रयोग कतई नहीं करना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, लिफ्ट का प्रयोग हमें सीढ़ियों का ही प्रयोग करना है नीचे उतरने के लिए। तीसरा, अगर भूकंप आ रहा है तो हमारे पास में उस समय क्लास में कुछ नहीं है, क्लास टीचर पढ़ा रहा है, उस समय हमें क्या करना है, वो अपना बैग है ना, अपने स्कूल बैग है, उसी को हम
बचाव के लिए काम में लेना है। कैसे लेना है वो बताएंगे अभी। आपका जो बैच है, बैग है ना, उसको सर के ऊपर रखना है, ठीक है। और इस टाल में जैसे मान लीजिए इनके पास भी यह बैग है, और इस टाल में धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, या फिर कोई अपने पास में जैसे बिल्डिंग बनी हो तो बिल्डिंग में कॉलम होते हैं ना, कॉलम बिल्डिंग हमेशा बिल्कुल 90 डिग्री के कोण में नहीं गिर, के एंगल में नहीं गिरती है बिल्डिंग, हमेशा जो शेप आकृति में गिरती है। तो हमें जो ये कॉलम्स है, उन कॉलम्स के पास में भी जाके हम बचाव करना है, या कोई टेबल हो, टेबल के नीचे अपना सर देखे, हमें सिर का बचाव करना सबसे पहली बात है। कर लोगे सब, तो वो कपड़े गले को इस प्रकार से पकड़ेगा, ठीक है ना, चाहे सिक्का निकल गया हो या कोई और किसी प्रकार की वस्तु निकल गई हो, तो वो गले को इस प्रकार से पकड़ेगा और उसको श्वास लेने में दिक्कत करेगा, खसखस की आवाज करेगा, ठीक है ना, ये करा जैसे। तो अगर एडल्ट व्यक्ति कुछ निकल जाता है तो उसको किस प्रकार से निकालना है, जैसे पीछे से कोई फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, वो इसको देखो पैर में, उसके दोनों पैरों के बीच में एक पैर लगाएगा अपना, फिर दोनों हाथों को झटके से एक साथ छोड़ेगा, ऐसे तो वो छोड़ने झटके से, और हाथों को पीछे से मजबूत पकड़ से दबाएगा, और अपना मास्टर हैंड आगे लेना है, उसको गोल बनाना है, अंगूठा अंदर रखना है, फिर उसकी नाभि के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर सवार करना है और अंदर पुश करना है, ठीक है। अब ये इस कंडीशन में क्या करेगा, या तो खांसी आएगी इसको या उल्टी आएगी, तो दोनों कंडीशनों में या तो उसका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इसी कंडीशन में क्या होता है, करते करते क्या व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो बेहोश हो गया तो उसको तो पता नहीं है कि मैं बेहोश हो गया, उसको किस प्रकार से जमीन पर लेटाना है, उसका जो वेट है उसको अपने ऊपर लेना है सारा, ठीक है, और धीरे धीरे उसको क्या करना है, पीछे की साइड में लेटा देना है इस प्रकार से, ठीक है। यह है, अगर एडल्ट व्यक्ति के गले में कोई भारी वस्तु फंस जाती है तो उसको किस प्रकार से निकालना है।